राष्ट्र के नाम समर्पित ओटीटी इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता। टीवी और फिल्में दुनिया का एक हंसता हुआ सितारा इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गया है। ये वो शख्सियत था जिसके करोड़ों फैंस थे और उसकी सिर्फ एक झलक पाने को बेताब रहते थे। महज 40 साल की कम उम्र में हार्ट अटैक से निधन होना यकीन कर पाना वाकई मुश्किल है। कुछ ऐसा ही हाल है सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद शहनाज गिल का। शहनाज गिल सिद्धार्थ की सबसे करीबी दोस्तों में से एक थे। सिद्धार्थ के फैंस को उनके निधन पर यकीन नहीं हो पा रहा। शहनाज गिल उनकी बेहद करीबी थी, उनके लिए बेहद मुश्किल घड़ी है। सिद्धार्थ के निधन की खबर सुनने के बाद शहनाज बेहोश हो गए। उनके पिता ने बताया कि शहनाज रोते बिलखते हुए बस उनसे एक ही बात कह रही हैं, पापा अब मैं कैसे जीऊंगी। रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि सिद्धार्थ ने शहनाज की गोद में आखिरी सांस ली। ऐसे में उनके लिए सदमा बर्दाश्त कर पाना वाकई मुश्किल है। सिद्धार्थ के निधन के बाद उनके परिवार से मिलने पहुंचे लोगों का कहना है कि शहनाज ये मानने को ही तैयार नहीं है कि सिद्धार्थ अब इस दुनिया में नहीं है। सिद्धार्थ को निधन से कुछ घंटे पहले बेचैनी हो रही थी। रिपोर्ट्स के अनुसार रात को 9:30 बजे घर आने के बाद उन्हें बेचैनी होने लगी। इस दौरान घर पर शहनाज और सिद्धार्थ की मां दोनों ही मौजूद थे। सिद्धार्थ ने जब उनसे बेचैनी की शिकायत की तो उन्होंने उन्हें नींबू पानी और आइसक्रीम दी, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने सिद्धार्थ को आराम करने को कहा, लेकिन सिद्धार्थ बेचैनी की वजह से सो नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने शहनाज को अपने साथ रुकने और पीठ थपथपाने के लिए कहा। रात करीब 1:30 बजे सिद्धार्थ शहनाज की गोद में ही सो गए और इसके बाद वो हुआ जिसके बारे में शहनाज ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। सिद्धार्थ शहनाज से धीरे धीरे हमेशा के लिए दूर चले गए। सिद्धार्थ के सोने के बाद शहनाज भी सो गई और उनकी आंख सुबह 7 बजे खुली तो उन्होंने देखा कि सिद्धार्थ बिना किसी मूवमेंट के उसी पोजीशन में सो रहे थे और इसके बाद उन्होंने सिद्धार्थ को जगाने की कोशिश तो की, वो जगे नहीं। बुरी तरह से घबराई शहनाज ने उनकी ही बिल्डिंग में रह रही सिद्धार्थ की माँ और बहन को फोन किया। इसके बाद उन्होंने उनके फैमिली डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर ने तुरंत उन्हें कूपर अस्पताल ले जाने की सलाह दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और सिद्धार्थ अपने परिवार और शहनाज को हमेशा के लिए छोड़कर दूसरी दुनिया में जा चुके थे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए ओटीटी इंडिया के साथ। रग रग में हिंदुस्तान।